फिल्मी सितारों और फैशन आइकन्स को एक गेट टुगेदर मुनाकिद करके इकट्ठा किया गया, जहां सभी एक दूसरे के साथ तस्वीर बनवाकर खूबसूरत लम्हात कैमरे की आंख में महफूज करते नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है कि ईद से बिल्कुल पहले इतने अरसे बाद इतनी अच्छी गैदरिंग है, और हमारा ईद का कॉन्सेप्ट ही है कि जब इतने लोग मिलते हैं दूरियां कम होती हैं। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है और आप कुर्बानी देते हैं। ये हमारा एक इस्लामिक वे है अपने इस कल्चर को, अपने इस त्यौहार को मनाने का। फनकारों का कहना था कि ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पेश करके हम असल में इस बात का अहद दोहराते हैं कि अल्लाह की रजा की खातिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उन लोगों का जरूर हक रखें, बल्कि कोशिश करें कि जितना थोड़ा सा अपने घर में रखें सारा जो है उन गरीबों में बांट दें जिनको जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरह के इवेंट और ज्यादा आपका एहसास दिलाते हैं कि बकरा ईद आने वाली है और खाने शाने जो है वो चलते ही रहते हैं, वो तो हर वक्त की बात है। ऐसी तकरीबात मसरूफियत के दौर में सभी को मिल बैठकर मोहब्बतें बांटने के मौके फराहम करने में मददगार साबित होती हैं। शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात का कहना है कि ईद कुर्बान जहां हमें कुर्बानी का दर्द देता है, तो वहीं इस खुशियों भरे मौके पर हमें नादार और मुफलिस लोगों को नहीं भूलना चाहिए। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ मरवान सुशौत्री, दुनिया न्यूज़, लाहौर।